हेलो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब फॉर माय चैनल प्रेस द आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर सिक्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं देखिए सबसे पहले यहां है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट नंबर वन इन 1992 अ मूवमेंट अगेंस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल वाज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश 1992 में अल्कोहल के अगेंस्ट में मूवमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी सेकेंड इन 1975 सेवेंटी फाइव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द कमीटी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी फॉर्म की थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन औरतों के स्टेटस को लेकर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर फूल नेहरू गोहा डॉक्टर फूल नेहरू गोहा के चेयरमैनशिप में सेकेंड है आइडेंटिफाई एंड राइट द रोंग पेयर तो उसमें रॉन्ग पेयर है ज्योति मापशेकर जिसका वुमेन्स कमीशन लिखा हुआ था एक्चुअली में है कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वैसे बोर्ड में आपको सिर्फ रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है थर्ड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन नंबर वन द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट बिगिन औरतों की लिबरेशन मूवमेंट आजादी की मूवमेंट शुरू हो गई ये पेज नंबर थर्टी टू से थर्टी थ्री पे इसका आंसर है आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे स्टूडेंट्स देखिए यहां से आपको शुरू करना है इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के पैराग्राफ से आप लिखेंगे द यूनाइट नेशन हैड नाइनटीन सेवनटी फाइव एज द इंटरनेशनल वोमेंस ईयर यू एन ने नाइनटीन सेवनटी फाइव को इंटरनेशनल वोमेंस ईयर डिक्लेयर किया द्री एस्पेक्ट ऑफ दिस दिस प्रोग्राम वर इस प्रोग्राम के तीन एस्पेक्ट थे पीस डेवलपमेंट एंड एकटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन नाइनटीन सेवनटी फाइव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन सेवनटी फाइव में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी एक कमिटी बनाई ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन औरतों के स्टेटस पे एन अपॉइंटेड डॉक्टर फूल नेहरू गोहा एज इट्स चेयरमैन ये इनकी तस्वीर है डॉक्टर फूल नेहरू गुहा को उसकी चेयरमैन बनाया गया इस कमेटी की उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखेंगे अ स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन वॉज हेल्ड इन नाइनटीन सेवनटी फाइव एक देश में एक कॉन्फ्रेंस हुई नाइनटीन सेवनटी फाइव में औरतों को ही लेकर ऑर्गेनाइज बाय द स्त्री मुक्त संघर्ष समिति जिसे स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम ऑल वॉक्स लाइफ और रीजन पार्टिसिपेटेड इन इट हर जगह से या हर तरह की औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया द समिति एट मैनिफेस्टो कहते हैं स्टूडेंट्स पब्लिक डिक्लेरेशन को घोषणा पत्र कहते हैं हिंदी में तो इस समिति ने अपना जो घोषणा पत्र था वो नाइनटीन सेवनटी एट में डिक्लेयर किया पब्लिश किया द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किस तरह से जेंडर कास्ट और वारना सिस्टम पे जेंडर का मतलब होता है कि मर्द औरत का डिफरेंस कास्ट डिफरेंस तो आप समझते ही हो वारना जो होता है ये भी एक तरह का कास्ट है जो पहले वारना सिस्टम चलता था ब्राह्मण क्षत्रियज विषायज और शुद्रास ठीक है तो ये सब के अगेंस्ट जो है वो पॉलिसी इन्होंने शुरू की ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे 1977 ग्रुप लाइक द स्त्री मुक्त आंदोलन समिति एस्टेब्लिश्ड बाय सौदामिनी राव इन पुणे 1977 में स्त्री मुक्त आंदोलन समिति सौदामिनी राव ने पुणे में एस्टेब्लिश की उसके बाद बयाजा अफ नाइटली बयाजा है ये फोर्ट नाइटली कहते हैं जो प्रोड्यूस्ड एवरी टू वीक्स ऐसी जर्नल या ऐसा पेपर जो पंद्रह दिनों में आता है तो ऐसी बुक थी एज ऑल्सो स्त्री ओच मैत्रीन एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूट से जो औरतों के लिए शुरू हुई उसके बाद महिला दक्षता समिति कोल्हापुर में शुरू हुई महिला हक नासिक में नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वर फॉर्म्ड उसके बाद है एंटी डावरी प्रोटेक्शन कमिटीज वर फॉर्म्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र यानी डावरी ना ले इसलिए पूरे महाराष्ट्र में कमेटी बनी अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी औरतों को जो अत्याचार किया जाता है औरतों को जो दबाया जाता है उनको जो प्रेशराइज किया जाता है उसके अगेंस्ट में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी धूले सिटी के अंदर जो महाराष्ट्र में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए उसके बाद यहाँ है द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी अमेंडमेंट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन नाइनटीन एटी फोर दहेज के अगेंस्ट में या दहेज ना ले इसको रोकने के लिए अमेंडमेंट एक्ट किया गया दहेज नाले ये कानून तो बहुत पहले बन गया था लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए पेज नंबर तो 33 पर इसका आंसर है पेज नंबर पे चलते हैं देखिए पर है यहां से लेकर यहां तक इवन आफ्टर द द ऑफ एंटी डाउरी लॉ जैसा कि मैंने बताया एंटी डाउरी लॉ डाउरी के अगेंस्ट लॉ पहले ही बन चुका था लेकिन उसके बनने के बाद भी इंसिडेंट्स लाइक वुमेन बर्न्स टू डेथ ए सारी पल्लू कैचेस फायर वाइल कुकिंग यानी औरतों के मरने की खबर आती रही जैसे कि औरत मर के जल, जल के मर गई Uh, क्योंकि उसके साड़ी के पल्लू को आग लग गई थी वो खाना पकाते वक्त खाना पका रही थी तो साड़ी पल्लू में आग लग गई एंड वुमेन वुमेन्सि वेल वाइल वॉशिंग क्लोथ्स ड्राउन्स एंड डाइज या फिर औरत जो है वो कुएं में गिर के मर गई जब वो कपड़ा धोने गई थी तो वहीं पे वो डूब गई और मर गई कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड इस तरह की न्यूज आते रहती थी सो इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिविल डाउरी टू बी द मोस्ट फ्रीकेंट कॉजेज ऑफ सच डेथ लेकिन जब पता किया गया जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ऐसी डेथ्स के पीछे जो वजह है जो रीजन है वो डावरी है मतलब दहेज के लिए ही मारा जा रहा था सिर्फ एक्सक्यूजेज बन रहे थे कि साड़ी के पल्लू को आग लग गई या कुएं में गिर गई द रोल ऑफ द पुलिस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के रोल को हाईलाइट किया गया दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस जिससे लोगों में बहुत अवेयरनेस फैली एज अ रिजल्ट द डावरी प्रोहिबिशन यानी कि अमेंडमेंट एक्ट केम फोर्स इन 1984 इसलिए 1984 में डाउरी एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई और उसको इंप्लीमेंट किया गया चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैन बाय लॉ अनटचेबिलिटी छूत छात जो है वो बैंड कर दिया गया है इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी फाइव पर देखिए ये पैराग्राफ यहां से यहां तक इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आज़ादी के बाद आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम यानी आजादी इक्वालिटी यानी बराबरी फ्रेटर्निटी भाईचारा और सोशल जस्टिस मतलब समाज में इंसाफ मिलेगा ये कुछ वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट की गई इन अकॉर्डेंस विद दिस ये हिज लिखा यहाँ पे दिस, आ, दिस आएगा स्टूडेंट्स ये प्रिंट मिस्टेक है सो इन अकॉर्डेंस विद दिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटच वॉज बेन बाय लॉ

दे वर गिवन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया टू फैसिलिटेट देयर डेवलपमेंट ताकि वो डेवलप हो सके चलिए अगला सवाल यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए पेज नंबर थर्टी सिक्स यहीं पर देखिए ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन लैंग्वेज और रेस हु आर फ्यू इन नंबर्स आर टर्म्ड एज माइनॉरिटी सबसे पहले तो ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन हो गई किसी भी समाज में जो कम लोग हैं यानी कि धर्म के मामले में कम हो या भाषा या फिर जात के कम हो थोड़े बहुत हो उसे माइनॉरिटी कहते हैं एज देर आर वेरियस रिलीजन सेक्ट्स एंड लैंग्वेजेज इन आवर कंट्री क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के बहुत सारे जात और भाषाओं के मानने वाले लोग हैं सो वी सी ग्रेट कल्चरल डायवर्सिटी तो हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं देर इज़ वेरिएशन इन कल्चरल traditions टू हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हमारे रस्म रस्म और रिवाज भी अलग अलग हैं सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देर कल्चरल ट्रडिशन इसलिए वो अपने कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके एंड डेवलप देर ओन लैंग्वेज और अपने लैंग्वेज को अपनी भाषा को भी डेवलप कर सकें द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सिटीजन्स सर्टेन एजुकेशनल एंड कल्चरल इसलिए कानून ने ऐसे नागरिकों को यानी माइनॉरिटीज को भी कुछ एजुकेशन और कल्चरल माइनॉरिटीज देयर लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन माइनॉरिटीज को यह अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करे फॉर दिस पर राइट टू सेटअप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके लिए उन्हें अलग से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का अधिकार कानूनन है इसलिए देखो हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के स्कूल होते हैं मीडियम्स के स्कूल होते हैं तो ये इसीलिए है है ठीक नेक्स्ट है राइट शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ऑन नंबर चिपको चिपको मूवमेंट मूवमेंट पे नोट लिखना है पेज नंबर थर्टी वन थर्टी टू पे देखिए यहां से लिखेंगे यहां पे स्टूडेंट्स स्टूडेंट अनदर कट करके यहां से लिखो द शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पार वॉज सीन ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री औरतों की ताकत यानी औरतें क्या कर सकती हैं ये चिपको मोमेंट 1973 में देखने को मिला क्या हुआ था ऐसा इस मूवमेंट में ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय वर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पजेज हिमालय के फुटहिल्स में यानी हिमालय के नीचे कुछ पेड़ों को कमर्शियल पर्पज़ेस के लिए काटा जा रहा था या काटने वाले थे चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बाहूगुना हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस तो इन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बाहुगुना ने एक मूवमेंट शुरू की वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एन ईच ट्री। औरतों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक तरीका निकाला वो तरीका था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के पेड़ को घेर लेते थे एन सर्कल यानी पेड़ के तरफ ऐसे गोल कर लेते थे जमा हो जाते थे एज देयर मैथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट क्योंकि उनका मैथड जो था वो क्या था कि वो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ को एम्ब्रेस यानी गले लगा लेते थे चिपक जाते थे इसलिए द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट इसलिए इस, इस मूवमेंट का नाम ही चिपको मूवमेंट पड़ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पेज नंबर 34 ह्यूमन राइट एक्ट के प्रोटेक्शन पेज नंबर 34 पे देखिए ये पैराग्राफ है इन 1993 1993 में दिस लॉ वाज एनेक्टेड टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू मेन एंड वुमेन ये लॉ बनाया गया ताकि आदमी और औरतों के साथ जो इनजस्टिस होता है उसे रोक सके द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज आल्सो फॉर्मड फॉर दिस पर्पस इसीलिए हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जैसे नेशनल वर्क प्लेस प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन मिटिगेटिंग इन जस्टिस टू वूमेन इस लॉ ने कि ये जो लॉ नाइनटीन नाइन थ्री में बना इस लॉ की वजह से जो कलेक्टिव ऑपरेशन यानी लोगों को जो दबाना या नीचा दिखाना होता था या और डाइवोर्स वुमेन की जो सोशल कंडीशन होती थी या फिर जब औरतें काम करती हैं तो उनको सिक्योर वर्क प्लेस मिले इन सब जगह पे जो इनको प्रॉब्लम होती थी उसको मिटिगेट करने में उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिली है इस लॉ की वजह से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एक ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द यूनाइटेड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन कैन ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन वेरियस फील्ड्स ठीक है आप एग्जांपल्स के जरिए बताइए किस तरह औरतों की स्ट्रेंथ या यूनाइटेड स्ट्रेंथ जो है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है तो पेज नंबर थर्टी पे जाएंगे इसके आंसर के लिए जहां जहां से फुल स्टॉप है आप वहां वहां से पॉइंट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स देखिए ये मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पार का पैराग्राफ आपको लिखना है स्टार्ट करते हैं वुमेन हु हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ़ स्कैरसिटी ऑफ सप्लाइज एंड राइजिंग प्राइसेस गेव अ शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी 1972 1972 में औरतों को जो स्कैरसिटी ऑफ सप्लाइज और राइजिंग प्राइस फेस करनी पड़ी यानी कि ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो स्केर्यरस हो गई थी कम हो गई थी मार्केट में और महंगी भी हो गई थी ये फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से उनकी यूनाइटेड स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर रिनाल गोरे देखिए ये इनकी तस्वीर है इनकी लीडरशिप में वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोन्स्ट्रेशन यानी मुंबई की औरतों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया विच केम टू बी नोन एज द लाटने मोर्चा जिसका नाम लाटने मोर्चा पड़ा लाटने कहते हैं रोलिंग पिन यानी बेलन को बेलन को मराठी में लाटने कहते हैं तो लाटने मोर्चा किया औरतों ने बेलन लेकर मोर्चे पे उतर गई क्यों ऐसा किया और, औरतों ने क्योंकि कॉमोडिटीज लाइक ऑयल घी रवा मैदा वुड बिकेम स्केर्यर्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट हैंड अब दिवाली आने वाली है और दिवाली में जो लगने वाली चीजें हैं जैसे कि तेल घी रवा मैदा ये सारी चीजें महंगी हो गई थी स्केर्स हो गई थी यानी कम हो गई थी और महंगी भी हो गई थी और फिर उसके बाद हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव घासलेट जो जिसको हम लोग घासलेट कहते हैं कैरोसिन वो भी बहुत महंगा हो गया था तो इसलिए औरतें लाटने मोर्चा की यानी कि बेलन लेकर रोड पर उतर आए एंड वुमेन केम टूगेदर ब्रेंडिशिंग पिन और रोड पे उतर के सड़कों पे उतर के उन्होंने अपना बेलन ब्रेंडिशिंग यानी लहराना शुरू किया बेलन देख के तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं एंड टुक पार्ट इन द demonstration और इस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया सो so दिस met मेट success, ये मूवमेंट सक्सेस हुई एंड द पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द यूनाइटेड of ऑफ वुमेन औरतों को पता चल गया सॉरी uh, पब्लिक को पता चल गया कि औरतें अगर यूनाइटेड हो जाएं तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है या फिर वो क्या क्या कर सकती हैं तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुए आई होप कि आपको ये सारे आंसर समझ में आए हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो थैंक यू